रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुष्कर्म के आरोपी का अस्पताल सील कर दिया है। अस्पताल संचालक फरार साजिद की तलाश में स्वार पुलिस गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिशें दे रही है। यहां के गांव निवासी किशोरी को क्षेत्र के ही दो युवक 31 अगस्त को अपहरण कर ले गए थे। स्वजन ने शक के आधार पर क्षेत्र के दो युवकों को नामजद करते हुए तीन के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निचे थाना स्वार पर एक अवयस्क बालिका के अपहरण का अभियोग दर्ज हुआ था। अभियोग दर्ज किए जाने के पश्चात प्रहरी निरीक्षक स्वार की टीम द्वारा आज नाबालिग बच्ची को नए वाहन बरामद किया गया है। बालिका के बयान अंकित किए गए हैं, मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के उपरांत माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। विवेचना प्रचलित है। अब बयान में यह तथ्य प्रकाश में आया है और FIR में भी था कि एक आरोपी इसमें नर्सिंग होम संचालक है। उनके नर्सिंग होम के बारे में भी जांच कराई जाएगी, साथ ही साथ उनकी भूमिका और अन्य सहयोगियों की भूमिका तलाशा जाएगा। नर्सिंग होम के अन्य डिटेल्स भी हमारे द्वारा नगर पालिका से प्राप्त किए जा रहे हैं, तदनुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।